नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अपनी बात कहकर ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में अभी भी रिश्ते ठीक नहीं। आरएसएस प्रमुख ने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा कि नारे लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना, भारत माता के नारे लगाना ठीक नहीं। बीजेपी के ये नारे मुख्य उद्देश्य है और ऐसे में अगर आरएसएस प्रमुख उन नारों का विरोध कर रहे हैं तो इसकी सीधी सीधी नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही। आरएसएस यहां तय नहीं कर पा रहा है कि हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से अब आगे की गतिविधियां बनानी है, तो वहीं नरेंद्र मोदी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आरएसएस से अपने रिश्ते कैसे सटीक बनाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरएसएस पर हमला करते हुए कहें कि अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है और तब से लेकर अब तक आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाये बगाए अपनी बातचीत कहती नजर आ रही। आपको बताएं कि जयश्री राम के नारों का इस देश में छुप छुप कर तो बहुत सारे सेकुलर नेता विरोध करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुलकर अगर कोई विरोध करता है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यानी आरएसएस या मोहन भागवत अब ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए। जो नेता जय श्री राम के नारों का खुलकर विरोध करता हो वो सिर्फ और सिर्फ देश में एक नेता है जिसका नाम है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के विरोध के साथ आरएसएस प्रमुख का आना आपको क्या लगता है? क्या नीतीश और नायडू से आरएसएस संतुष्ट नहीं है? क्या नीतीश नायडू प्रकरण से आरएसएस बीजेपी से नाराज है? यह पहलू भी थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हम इस पहलू की चर्चा करें तो जिस तरीके से आरएसएस वक्फ बोर्ड पर बीजेपी के साथ है और वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार अलग है, तो नीतीश कुमार आरएसएस को कैसे रासाएंगे? वहीं टीडीपी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है तो आरएसएस को कैसे रासाए? ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों के खिलाफ जरूर है, लेकिन पहले भी एनडीए के साथ रहकर वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख कोई खेल खेल रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी नसीहत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात उन्होंने तब कहा जब उनके आने पर नारे लगाए गए, तो उन्होंने कहा कि नारे लगाना ठीक नहीं है, और ये बात उन्होंने इस बात को भी तस्दीक करने का प्रयास किया है। पिछले 10 वर्षों में जहां हमारे संविधान के मुताबिक धार्मिक नारे सदन में नहीं लगाए जाते हैं, धार्मिक बातें सदन में नहीं की जाती हैं, तो वहीं लोकसभा के प्रत्येक दिन की अगर कार्यवाही पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी, तो दो एक बार प्रतिदिन जय श्री राम के नारे गुंजायमान इन 10 वर्षों के दौरान लोकसभा के सदन में रहे। और इस नारे को अब मोहन भागवत रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वो भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा रोक कर कहीं मोदी से भी तो नाराज नहीं है? वो इस बात से तो अपने को तय नहीं कर पा रहे हैं कि जब जब कहीं निकलते हैं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। क्या इससे आरएसएस प्रमुख बड़ी तादाद में आहत हो रहे हैं? ये बड़ी संकीर्ण, मतलब फंसी हुई बात महसूस हो रही है कि आरएसएस बीजेपी के साथ क्या बर्ताव करती चली आ रही है। पिछले 5 महीने से लगातार मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी करते नजर आ रहे हैं। हर मौके पर
वो प्रधानमंत्री को नसीहत देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बायोलॉजी करूं, तो उन्होंने कहा कि भगवान कोई नहीं हो सकता है। उससे पहले भी दो तीन नसीहतें उन्होंने दे दी। हालांकि इस दौरान जो केरल में आरएसएस का शिविर हुआ, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इन सब बातों के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों की जो दूरियां बढ़ी हैं वो अब तक ठीक नहीं हो पा रही हैं? क्या बीच में जो भी समाधान कराने वाले लोग हैं वो क्या है? इस पूरे प्रकरण पर समाधान अब तक तय नहीं करा पाए हैं? आरएसएस बेहद नाराज चल रहा है, ये बार बार मोहन भागवत का बयान साबित करता है। मोहन भागवत जी अजीत पवार से भी बहुत नाराज है, अजीत पवार को नरेंद्र मोदी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में ही चूंकि आरएसएस का कार्यालय, आरएसएस का प्रमुख कार्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में, और नागपुर की राजनीति पर भी अगर आरएसएस की पकड़ नहीं बचेगी, महाराष्ट्र की राजनीति पर उसका पूरा आकलन नहीं रहेगा, तो फिर वो आगे अपने को सर्वाइव कैसे करेंगे? और इसी लिहाज से वो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस बात को अभी ध्यान से समझ नहीं पा रही है। आरएसएस ने एक बार कहा कि अगर कांग्रेस भी ठीक काम करेगी तो कांग्रेस के साथ जाने में क्या दिक्कत है? किस पर्पज से कहा गया वो शब्द, क्या उसकी सोच थी? लेकिन वो ठीक ठीक दिख रहा था कि अगर बीजेपी अपने कर्म नहीं सुधारेगी, बीजेपी अपना अहंकार नहीं तोड़ेगी, जिसे बार बार आरएसएस कह रही है, और वो बीजेपी का अहंकार थोड़े ही है, समझिए वो अहंकार तो नरेंद्र मोदी का है। वो नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं इस देश में कोई अहंकारी राजा राज करे। वो नहीं चाहते हैं कि अहंकार के वशीभूत होकर हम सत्ता का संचालन करें। अहंकार से चलाई गई सत्ता सर्वनाश का कारण होती है। आरएसएस प्रमुख इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और इसी भावना से ओतप्रोत होकर वो बार बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गाये बगाये नसीहत देकर लाइन पर लाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आप समझिए गहनता से, आरएसएस चाह रही है कि अहंकारी सरकार का समूल नाश हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने अहंकार को तोड़कर आरएसएस की इस प्रतिक्रिया पर कोई बड़ी सोच साबित करेंगे? क्या जो आरएसएस नहीं चाहती है उसे प्रधानमंत्री करने से अपने को रोकेंगे? इस बात को लेकर अब जब अंतिम दौर आया तो आरएसएस अब अंतिम बात पर आ गई कि जय श्री राम के नारे रोकने पड़ेंगे, भारत माता के नारे रोकने पड़ेंगे। और ये आज से नहीं, जो बरसों से समझदार लोग हैं वो कहते आए हैं कि आरएसएस कभी भी तिरंगा फहराने को राजी नहीं था, आरएसएस भारत माता की जय करने पर नहीं था। लेकिन आज क्या ये सब नारों का भाजपा को नसीहत देकर आरएसएस साबित क्या करना चाहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारत स्पीच की शुरुआती भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय इस शब्द से करते हो, और आरएसएस उस शब्द को नहीं चाहती हो, फिर सदन में जब जाते हैं, या फिर आरएसएस अयोध्या चुनाव हारने के बाद जय श्री राम से रिश्ते बिगाड़ना चाहती है, या भाजपा जय श्री राम से अपने रिश्ते बिगाड़ चुकी है? प्रधानमंत्री ने इस बार लोकसभा में जाने पर, सदन में जाने पर अपनी पहली स्पीच में जब जीतकर आए जय जगन्नाथ का नारा दिया था, जय श्री राम नहीं बोले थे। इस बात को समझने के लिए उस दिन का वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आज आरएसएस इस पर सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से अब समझिए कि बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी की प्रबल विरोधी ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का विरोध करती हैं, और उसी नारे का अब आरएसएस विरोध करने लगा
तो समझ लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी कब पककर तैयार होगी, उस खिचड़ी पर कब उबाल आएगा, क्योंकि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आरएसएस शतक के वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आरएसएस अपना शतक पूरा करने जा रहा है तो नरेंद्र मोदी अपना 75वां वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे में आरएसएस खोज खबर में लग गई होगी और इसीलिए गाये बगाये नितिन गडकरी अपने प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है संजोए बैठे हैं, वो कभी कभी बाहर आ जाता है। बीते दिनों भी उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अभी कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लिए हुए अभी 3 माह व्यतीत हुए हैं, 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, और उस दौरान अगर नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष मुझे प्रधानमंत्री बनाने को राजी था, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि कैसे कहा उन्होंने। आरएसएस और बीजेपी के मध्य की ये लड़ाई कहां तक जाएगी, किस मुकाम तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और आरएसएस और बीजेपी के मध्य बड़ा तनाव है। देखना यह होगा इस परिणाम के बाद महाराष्ट्र, जहां आरएसएस का अपना एक बड़ा कार्यालय है नागपुर में, तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आरएसएस क्या सोचेगी, इस पर अभी सवाल बना हुआ है। आप समझिए ये पूरा खेल कि आरएसएस भारत माता जय श्री राम के नारों से अब नाराज क्यों नजर आ रही है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।